देश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जहां कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं उनके ही नेता आपस में लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में अपनी जीत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। पहले सरगुजा संभाग, अब कोरबा जिले में एक और मामला निकलकर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक आपस में खनिज निधि को लेकर लड़ रहे हैं। मामला इस कदर बिगड़ा कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत कर दी। बात अब पार्टी फोरम से निकलकर सार्वजनिक मंच पर आ पहुंची है। कोरबा जिले में डीएमएफ फंड में गड़बड़ी को लेकर अकलतरा विधायक सौरभ सिंह की पीएमओ को लिखी चिट्ठी के बाद रामपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की सोशल मीडिया में पीएमओ को लिखी चिट्ठी वायरल हो रही है। इसमें कंवर सौरभ सिंह पर व्यक्तिगत लाभ के लिए शिकायत करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब कंवर ने उनके नाम से फर्जी लेटर हेड पर लिखी चिट्ठी वायरल करने की बात कहते हुए थाने में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक आपस में खनिज निधि को लेकर लड़ रहे हैं। मामला इस कदर बिगड़ा है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत कर दी है। बात अब पार्टी फोरम से निकलकर सार्वजनिक मंच पर आ पहुंची है। अकलतरा से भारतीय जनता पार्टी विधायक सौरभ सिंह ने 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरबा जिले के जिला खनिज न्यास संस्थान मद के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोरबा की कलेक्टर रानू साहू अपनी मनमानी करते हुए राशि का दुरुपयोग कर रही हैं। प्रधानमंत्री को भेजी अपनी चिट्ठी में विधायक सौरभ सिंह ने लिखा है कि कोरबा जिले में सबसे ज्यादा जिला खनिज न्यास मद में 600 करोड़ रुपए राजस्व मिलता है। विधायक का कहना है कि इस राशि से बिलासपुर और जांजगीर चंपा जिले के क्षेत्रीय विकास के लिए 10% राशि दी जाती है, लेकिन इस राशि को इस्तेमाल करने वाले परिषद की बैठक नियमों के मुताबिक नहीं हो रही। खनन से मिलने वाली राशि गांव के विकास में खर्च होती है, मगर यह दूसरे मदों में खर्च की जा रही है। विधायक सौरभ का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय में यूनियन का काम भी इसी मद के लिए किया जा रहा है और कलेक्टर रानू साहू अपने करीबी लोगों को काम दे रही हैं। प्रधानमंत्री से सौरभ सिंह ने इस मामले की जांच की मांग की है। दूसरी चिट्ठी विधायक ननकी राम कंवर ने लिखी है। ननकी राम कंवर ने सौरभ की शिकायत का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि सौरभ इस जिले के खनिज न्यास निधि परिषद के सदस्य ही नहीं है और न ही ये उनका इलाका है, तो उन्हें कैसे पता कि गड़बड़ी हुई है। वह दुर्भाग्यवश और अशांति फैलाने की साजिश के तहत यह शिकायत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ननकी राम कंवर ने पत्र को फर्जी करार देते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान विधायक हूँ, भला मैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी विधायक की शिकायत क्यों करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी नेता हूँ और छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री रहा हूँ। कोरबा जिले में खनिज न्यास निधि नियमानुसार ही खर्च हो रही है। इसकी सारी जानकारी मुझे है क्योंकि परिषद की बैठकों में मैं शामिल होता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।